हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे टीसी मतलब विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के बारे में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जो आवेदन लिखा जाता है वो कैसे लिखेंगे। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक सफ़ेद पेज लेंगे जिसका चौथाई मतलब चौथा हिस्सा इधर किनारे या छोड़ देंगे और सबसे पहले ऊपर में आप लिखेंगे सेवा में। क्या लिखेंगे? सेवा में। उसके बाद दूसरी लाइन आपका रहेगा श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। फिर आप लिखेंगे जिस स्कूल में आप आवेदन लिख रहे हैं उस स्कूल का नाम और पता लिखेंगे। मैं यहाँ पहले से सरस्वती शिशु निकेतन हुसिर लिख रखा हूँ। यहाँ आप लोग जिस स्कूल में लिखना चाह रहे हैं, जिस स्कूल के पास लिखना चाह रहे हैं उस स्कूल का नाम और पता लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे विषय और लिखेंगे विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। फिर लिखेंगे महाशय। फिर लिखेंगे आप अगली लाइन में सविनय पूर्वक कहना है कि मैं राजेश्वर साव पिता श्री वासुदेव साव। यहाँ आप समझेंगे यहाँ पर मैं अपना नाम लिखा हूँ और यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखा हूँ। आप लोग यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और फिर यहाँ अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आपके विद्यालय के कक्षा अष्टम क्रमांक 10 का नियमित छात्र छात्रा हूँ। आप यहाँ समझेंगे क्रमांक 10 मतलब ये हम अपना रोल नंबर लिखे हैं। आप लोग अपना विद्यालय का रोल नंबर यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ छात्र और छात्रा है तो दोनों नहीं लिखना है। लड़के हैं वो छात्र लिखेंगे और लड़कियाँ छात्रा लिखेंगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष मैंने 8वीं कक्षा पास कर ली हूँ। अब मैं आगे की पढ़ाई के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेना चाहती हूँ। यहाँ भी चाहता चाहती दोनों नहीं लिखना है। लड़के लिखेंगे चाहता हूँ और लड़कियाँ लिखेगी चाहती हूँ। अब आगे इसके लिए मुझे विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। इसके बाद इस लाइन को छोड़ करके पैराग्राफ चेंज करेंगे और फिर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। पैराग्राफ चेंज करने के बाद यहाँ से लिखेंगे अतः श्रीमान से सादर अनुरोध है कि मेरी आगे की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र देने की कृपा प्रदान करें। इस कार्य के लिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूंगी। यहाँ फिर ध्यान देना है लड़कों के लिए है रहूंगा और लड़कियों के लिए है रहूंगी, मतलब ये दोनों नहीं लिखना है। लड़के लिखेंगे रहूंगा और लड़कियां लिखेगी रहूंगी, ठीक है। अब आगे फिर लिखेंगे यहाँ आपका आज्ञाकारी छात्र, ये लड़के लिखेंगे और लड़कियां लिखेगी आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा। फिर यहाँ पर अपना अपना नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पहले से अपना नाम राजेश्वर सा लिख चुका हूँ। फिर कक्षा अष्टम लिखेंगे, क्रमांक मतलब अपना विद्यालय का रोल नंबर आप लोग यहाँ लिखेंगे और फिर नामांकन संख्या लिखेंगे। नामांकन संख्या मतलब एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर हम पहले से 12/2015 लिखे हैं। आप लोग अपना अपना नामांकन संख्या मतलब एडमिशन नंबर यहाँ लिखेंगे और फिर आगे आप लोग लिखेंगे मोबाइल संख्या 9934518090। आप लोग अपना अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिखेंगे और यहाँ स्टूडेंट्स अपना हस्ताक्षर बना देंगे और इधर अपने अपने अभिभावक मतलब माता जी का, पिताजी का या फिर अपने घर के कोई पेरेंट्स का सिग्नेचर हस्ताक्षर करा लेंगे और फिर प्रधानाध्यापक के पास जमा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद। बाय बाय।